हेलो विवन वेलकम बैक इन डी आस लाइफ टूडे एज यू कैन सी ऑन द आवर स्किन दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडब एन आर लास्ट वीडियो आई टॉट यू अबाउट एडजेक्टिव वॉट आर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव एंड वॉट इज एन एडजेक्टिव लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं और एडजेक्टिव कैसे फंक्शन करता है आई होप वो अच्छे से सीख गए होंगे उसको थोड़ा सा वापस से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं देखो तो एडजेक्टिव जो मेन फंक्शन होता है उसका वो होता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना यानी नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटीज होती हैं उनके बारे में हमें कौन बताता है एडजेक्टिव बताता है ठीक है तो वो बात रही एडजेक्टिव की वहाँ पर और उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं काइंस होते हैं जैसे हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा यानी किसी नॉन प्रोनाउन की क्वालिटी कैसी है किसी नॉन प्रोनाउन की क्वांटिटी यानी किस मात्रा में कोई भी चीज की गई है ठीक है उस केस में हम उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया ठीक है ना प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया ये सारे एडजेक्टिव में हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वैसे ही एडवर्ब भी कुछ दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है यानी उनकी विशेषताओं के बारे में बताता है उनकी क्वालिटीज के बारे में बताता है अगर मैं एडवर्ब की डेफिनेशन की बात करूं जैसे एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन एडजेक्टिव एक वह वर्ड होता है वह शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है सिंपल सी बात है यही सेम चीज एडवर्ब पर भी अप्लाई होती है लेकिन ये नॉन प्रोनाउन की नॉन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा नॉन प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है एडजेक्टिव तो फिर बात ये आती है क्वेश्चन ये यहां पर अराइज होता है कि एडवर्ब फिर किसको क्वालिफाई करेगा तो यहां पर हम लोग सीखते हैं ठीक है समझिएगा मैं लिख हूं एन एडवर्ब इज वर्ड Which adds something to the meaning of a verb, an adjective, or एन अनदर एडव पढ़िए मैंने क्या लिखा है एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एडजेक्टिव एंड अनोदर एडवर्ब बस यहीं से हमें सारी चीजें पता चल गई एडवर्ब वह वर्ड होता है जो किसी दूसरे वर्ब में कुछ जोड़ता है ठीक है किसी वर्ब में कुछ ऐड करेगा या किसी एडजेक्टिव में ऐड करेगा या किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है तो सिंपल सी बात यह हुई कि एडवर्ब का फंक्शन क्या है एडवर्ब किसी वर्ब को किसी एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है उसकी विशेषताओं के बारे में हमें बता सकता है ये एडवर्ब हो गया समझ गए ना तो एडजेक्टिव नॉन प्रोण को क्वालिफाई करेगा और एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करेगा वो वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा और दूसरे एडवर्ब को भी एक दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है बात सिंपल सी है अब एग्जांपल से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा देखिए मैं एग्जाम्पल की तरफ मूव करता हूँ सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि एक वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सी सिंग्स स्वीटली एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा मे बी हो सकता है कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एडवर्ब्स कैसे बनते हैं हाउ वी कैन फॉर्म एडवर्ब्स एडवर्ब्स को कैसे बनाया जा सकता है तो देखो बहुत सिंपल सा वे है एडवर्ब को बनाने का मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि किसी एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई एड कर देते हैं जोड़ देते हैं तो उससे एडवर्ब बन सकता है जैसे यहां पर आप लोग देख लेंगे स्वीट ली ठीक है तो ये कहां से आया स्वीट में मैंने जोड़ा क्या एलवाई क्या बन गया स्वीटली बात समझ में आ रहा ना अब स्वीट क्या होता है मीठा मिठाई भी होता है तो मीठा क्या हो गया एडवर्ब हो गया सॉरी एडजेक्टिव हो गया और मिठाई क्या हो गया नाउन हो गया ठीक है तो ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है स्वीट तो यहाँ पर हम लोग स्वीट किसके केस में कर रहे हैं अब भाई मीठा थोड़ा अच्छा गाती होगी मिठाई थोड़ी ना गाती होगी वो ठीक है तो किस सेंस में यूज हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा अब स्वीट में मैंने क्या जोड़ा एल वाई क्या बन गया स्वीटली एडवर्ब हो गया ठीक है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या होता है सुंदर होता नहीं होता एक एडजेक्टिव होता है ब्यूटीफुल में मैंने जोड़ दिया एलवाई क्या बन गया ब्यूटीफुली क्या हो गया ये एडवर्ब हो गया बात समझ में आ रही है स्लो स्लो क्या होता है धीरे क्या होता है एडजेक्टिव हो गया उसमें मैंने एल वाई जोड़ दिया क्या बन गया एडवर्ब स्लोली तो जहां पर भी एल वाई एड हो रखा है किसी वर्ड के एंड में ठीक है यहां एल वाई दिया गया है आप समझ जाइए ये एडवर्ब है समझ रहे हैं ना आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी हम लोग एडवर्ब बनाएंगे तो किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ करके हम इजिली एडवर्ब बना सकते हैं ये कंसेप्ट है आप इसको याद रखेंगे ठीक है और उम्मीद करता हूं मैं आपको याद भी होगा अब हम वापस से आते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ कि यह क्या कहता है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है तो सिंपल सी बात एक तो जो भी मैंने आपको बताई है स्वीटली एलवाई जुड़ा हुआ है एडवर्ब हो गया भाई अब ये क्वालिफाई किसको कर रहा है सी क्या हो गया हमारा प्रनाउन हो गया यानी यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है बात समझ में आ गई सिंग, सिंग क्या होता है गाना वर्ब हो गया स्वीटली क्या हो गया एडवर्ब हो गया ठीक है ना अब वह कैसा गाती है अच्छा गाती है या अच्छे तरीके से गाती है यानी बोलते हैं ना बहुत अच्छा गाती है मीठा गाती है सुरीला गाती है सुरीला जो वर्ड है हम केस में यूज कर सकते हैं सी सिंग स्वीटली वह बहुत अच्छा गाती है, बहुत सुरीला गाती है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि वर्ब के बाद इसकी इसका जो पोजिशन है वो किसके बाद है वर्ब के बाद है तो वर्ब के बाद इ, तो ये किसको क्वालिफाई करेगा वर्ब को क्वालिफाई करेगा बात समझ रहे आप लोग ठीक है सी सिंग स्वीटली उसका जो मैनर ऑफ सिंगिंग है वो कैसा है स्वीट Sweet है स्वीटली गाती है वो ठीक है सुरीला गाती है तो इसीलिए यहां पर स्वीटली किसको को क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ये उस चीज को यहां बिल्कुल सेटिस्फाई करता है कि एक एडवर्ब एक वर्ब को क्वालिफाई करता है इस एग्जाम्पल से हम ये चीज समझ गए अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है ठीक है दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं मैंने लिखा राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय क्या मतलब हुआ उसका राम बहुत बुद्धिमान लड़का है अब इंटेलिजेंट क्या होता है मुझे इसकी बताने की आपको जरूरत नहीं है इंटेलिजेंट क्या होता है बुद्धिमान आप सबको पता है ये एडजेक्टिव हो गया ठीक है बॉय क्या होता है नाउन हो गया ठीक है इज क्या होता है हेल्पिंग वर्ब हो गया एच भी लिख दिया मैंने राम क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया बात समझ में आ गए यानी सब्जेक्ट भी तो है हमारा यहां पर इस सेंटेंस में यानी नाउन सब्जेक्ट हो गया राम ज हेल्पिंग वर्ब हो गया इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया बॉय भी नाउन हो गया अब इंटेलिजेंट से पहले ये जो वर्ड यूज हुआ है आप इसको यहां पर देखेंगे वेरी ये जो वेरी वर्ड यूज हुआ है ये क्या है हमने सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में यूज हुए हैं उन सब के बारे में पता लगा लिया अब हम ये पता नहीं कर पाए कि वेरी यहां पर ये जो वर्ड यूज हुआ है ये क्या है तो आप ध्यान से देखिए एडजेक्टिव से पहले वेरी यूज हुआ है इसका मतलब क्या हो गया ये एडवर्ब हो गया यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है वह कैसा है बहुत इंटेलिजेंट है भाई कितना इंटेलिजेंट है बहुत इंटेलिजेंट है यानी इंटेलिजेंट होने की उसकी जो डिग्री है ये उसने यहां पर हमें बता दिया बोलते बोलतेरा कोई कम इंटेलिजेंट होता है कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो ये क्या हो गया डिग्री उसकी इंटेलिजेंसी की डिग्री कैसी है बहुत इंटेलिजेंट है बात समझ में आ गई तो एडजेक्टिव से पहले वेरी यूज हुआ है ये क्या हो गया एडब इसका मतलब क्या हुआ कि एक एडब जो है एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है कर सकता है बात समझ में आ गई आप लोगों को ठीक है अब नेक्स्ट मूव करता हूं मैं किसकी तरफ कि एक एडब दूसरे एडब को कैसे क्वालिफाई करता है अब हम यहां पर यह चीजें समझने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने वही सेम एग्जांपल लिया सी सिंग्स वेरी स्वीटली अब देखो पता है आप लोगों को स्वीटली क्या होता है एडवर्ब होता है वेरी भी क्या होता है एडवे भी, भी मैंने आपको बताया था सिंह क्या हो गया वर्ब हो गया सी क्या हो गया यहां पर सब्जेक्ट हो गया हमारा अब वो बहुत सुरीला गाती है यानी उसकी मैंने डिग्री बता दी गाने की भी भाई जितना सुरीला वो गा रही थी ना मैंने बता दिया उसके कि कितना सुरीला गाती है बहुत सुरीला गाती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है स्विटली भी एडवर्ब हो गया वेरी भी एडवर्ब हो गया तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्या कर सकता है क्वालिफाई कर सकता है बात समझ में आ गई ना तो इस तरीके से जो एडवर्ब का फंक्शन होता है ना वो एक वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा और एक दूसरे एडवर्ब को भी

तो शुरुआत करते हैं काइंस ऑफ एडजेक्ट एडवर्ब और टाइप्स ऑफ एडवर्ब से काइंस ऑफ एडवर्ब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर ठीक है मैनर का मतलब होता है तरीका उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवव ऑफ टाइम ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे एडव ऑफ प्लेस ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे एडव ऑफ डिग्री फिर हम पढ़ेंगे एडव ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी इसको नंबर और फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे बोलते हैं जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा ठीक है परेशान होने की जरूरत नहीं है और एट लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है तो देखो हमने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा था हम यहां पर इंटरोगेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे बात समझ में आ गई इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है तो ये हर पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया ठीक है परेशान होने की जरूरत नहीं है एडव ऑफ़ नंबर या फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे एडव ऑफ डिग्री पढ़ेंगे एडव ऑफ प्लेस टाइम एंड मैनर ये भी हम तीनों चीजें पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एडवब ऑफ मैनर से ये टाइप्स होते हैं काइंस होते हैं अब आप इनको याद रखेंगे और समझ भी गए होंगे ठीक है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ एडव ऑफ मैनर एडवव ऑफ टाइम होता है एडव ऑफ प्लेस होता है एडव ऑफ डिग्री होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है और एक होता है एडव ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं वन बाई वन इनको पढ़ेंगे सो यू कैन से एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में कि व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर देखो ये जो वर्ड यूज हुआ है ना यहां पर इसी से हमें पता लग जाता है कि यहां पर हम किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं किसके रिगार्डिंग हम यहां पर बात कर रहे हैं मैनर मैनर का मतलब होता है तरीका यानी कोई भी काम करने का आपका तरीका कैसा है आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं और एक जो वर्ड और आप लोगों ने सुना होगा ना सलीका जिसको बोलते हैं हम लोग भाई तुम्हारे अंदर सलीका नहीं है तरीका नहीं है मैनर्स नहीं है ठीक है तो वही सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे इस बारे में कि कोई भी काम करने का आपका जो तरीका है सलीका है वो अच्छा है बुरा है कैसा है ठीक है आप अच्छे तरीके से उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं यही सारी चीजें जो बताता है ना एडवर्ब वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आ गई डेफिनेशन समझ में आ गई सिंपल सी बात है एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स डेट हाउ एन एक्शन इज डन कि कोई भी एक्शन किस तरीके से किया गया है वही है ऑफ एडवेन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा समझने की कोशिश करते हैं मैंने लिखा सीता राइट्स डेकोरेटिवली एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने छोटा सा सीता राइट्स डेकोरेटिवली सीता क्या हो गया यहां पर नाउन हो गया अब एडवर्ब क्या है इस वाले सेंटेंस में आपको अच्छे से पता चल गया हो गया राइट क्या होता है वर्ब और डेकोरेटिवली, लास्ट में एल वाई जुड़ा हुआ है हम समझ गए कि भैया की बात हो रही है सिंपल सी बात है तो यानी को क्वालिफाई कर रहा है कौन एडवर्ब हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब मैनर के बारे में सीता लिखती है कैसा डेकोरेटिवली बोलते हैं ना जड़ा जड़ा कर लिखता है भाई बहुत अच्छा लिखता है बहुत सुंदर लिखता है ठीक है सुलेख लिखता है अच्छा लेख लिखता है दैट इज डेकोरेटिवली ओके तो सीता का जो लिखने का तरीका है वो कैसा है डेकोरेटिवली सी राइट्स डेकोरेटिवली बहुत सुंदर लिखती है काफी अच्छा लिखती है सुलेख लिखती है समझ गए ना तो लिखने का उसका मैनर क्या हुआ डेकोरेटिवली अच्छे तरीके से बढ़िया सलीके से लिखती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेकोरेटिवली ये एडब है लेकिन कौन सा एडव है आपसे किसी ने काउंटर क्वेश्चन कर लिया हाँ चलो मैं तुम्हारी बात मान गया कि वाई जुड़ा हुआ है डेकोरेटिवली है के बाद आ रहा है यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कौन सा टाइप होगा एडब का ये एडव मैनर होगा या डिग्री होगा टाइम होगा प्लेस होगा क्या होगा

ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा uh, राधा सिंग्स स्वीटली सेम एग्जाम्पल मैंने यहां पर रिपीट किया है अब राधा गाती है कैसा सुरीले तरीके से कैसे सुरीले तरीके से गाती है तो उसके गाने का जो मैनर है वो कैसा है सुरीला है समझ गए नहीं समझ गए तो ये क्या हो गया एडवर्ब मैनर दूसरा मैंने लिखा रवि प्लेज हैंडसमली रबी जो है ना वो बहुत बढ़िया खेलता है बोलते हैं ना शानदार खेलता है कोई भी खिलाड़ी है तो हैंडसमली क्या हो गया यानी अच्छे तरीके से खेलने खेलने वाला यानी उसका प्लेइंग ऑफ मैनर कैसा है हैंडसमली है बहुत बढ़िया खेलता है अच्छे तरीके से खेलता है तो ये क्या कहलाएगा एडब ऑफ मैनर कहलाएगा तो स्वीटली हो गया हैंडसमली हो गया तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी कोई एडब आपका मैनर बताएगा कि कोई भी एक्शन किस तरीके से किया गया है समझ रहे हैं आप लोग तो उस केस में हम उसको एडव ऑफ मैनर कहेंगे सिंपल सी बात यह है आई होप इससे ज्यादा कुछ और यहां पर बताने के लिए नहीं है यह सारी चीजें आप समझ गए होंगे ठीक है नेक्स्ट जो हमारा टाइप है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं जो था एडव ऑफ टाइम अब देखिए जैसे मैनर की हमने बात की कि जो चीजें मैनर्स बताते हैं जो एडवर्ब्स मैनर्स के बारे में बताएंगे तरीकों के बारे में बताएंगे वो एडव मैनर हो गया लेकिन जो एडवर्ब्स टाइम के बारे में बताएंगे वो क्या कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम आप लोग यहां पर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन सारे एडवर्ब्स को टुडे टोमेरो स्टरडे नाव एंड मैनी मोर एटसेट्रा हम बचपन से याद कर इनको पढ़ते आ रहे हैं सीखते आ रहे हैं यूज करते आ रहे हैं टुडे आज क्या हो गया टाइम हो गया आज की बात हो रही है समझे नहीं समझे जो मेरो आने वाला कल यानी जो आने वाला समय है वही तो कल में बनेगा जो समय आने वाला है जो आगे आएगा उसी को तो हम लोग टुमेरो बोलते हैं तो वो क्या हो गया टाइम की बात हो रही है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा समय आता जाएगा जैसे जैसे टाइम पीछे गुजर चुका है वो यस्टरडे हो गया जो समय आगे आने वाला है वो टुमेरो हो गया टुडे आज की डेट में आज के टाइम में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर प्ले कर रहे हैं वो क्या हो गया टुडे हो गया तो बेसिकली है क्या टाइम अब मैंने बोला नाव नाव का मतलब क्या हो गया अब एग्जैक्ट टाइम की बात करूं मैं यानी अभी तुरंत इस समय में क्या कर रहा हूं दैट इज नाव और उसके बाद देन देन मतलब तब नाव का मतलब होता है अब देन मतलब तब यानी उस समय की बात कर रहा है वह उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है जब उसने कोई भी एक्शन किया था तो ये क्या हो गया देन तो ये सारे किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग टाइम के बारे में ये जितने भी एडवब है ना ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं तो इसीलिए इनको हम एडवब ऑफ टाइम कहते हैं क्या कहते हैं एडवब ऑफ टाइम एग्जाम्पल से समझिए जैसे मैंने लिखा आई एम रीडिंग नाउ मैं पढ़ रहा हूं अब मैं अब पढ़ रहा हूं अब की बात कर रहा है वो इस टाइम की बात कर रहा है वो अब क्या कर रहा है पढ़ रहा है तो रीड क्या होता है पढ़ना वर्ब हो गया इसको क्वालिफाई किसने किया ने एडवर्ब हो गया लेकिन कौन सा एडवर्ब हो गया ऑफ टाइम वो समय की बात कर रहा है वो आपको बता रहा है कि वो अब पढ़ रहा है ठीक है तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम दूसरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग जैसे मैंने लिखा आई आन टू जयपुर यस्टरडे मैं कल जयपुर गया था कब गया था कल गया था गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया यानी उसकी जो टाइमिंग थी वो कब थी कल की थी वो कब जयपुर गया था कल गया था तो यस्टरडे ये क्या है एडब हो गया लेकिन कौन सा एडब ऑफ टाइम क्योंकि ये टाइम की बात कर रहा है वह जयपुर गया था क्या उसने बताया कब कल गया था हमें नहीं पता होता अगर मान लीजिए तो हम कैसे बता पाते वो कल गया था आज गया था आगे जाएगा या नहीं जाएगा हमें नहीं पता था लेकिन जैसे ही उसने बोला यस्टरडे तो हमें एग्जैक्टली exactly पता चल गया कि वो जो बीता हुआ जो कल गुजरा है उस कल को वह जयपुर गया था तो ये कहलाएगा एडब ऑफ टाइम गॉट इट ऐसे ही नाव और देन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जैसे मैंने लिखा माय ब्रदर विल कम टोमेरो मेरा भाई कल आएगा कौन सा कल आने वाला कब आएगा कल आएगा कौन से कल की बात हो रही है आने वाले कल की बात हो रही है क्या हो गया टाइम कौन सा एडब ऑफ टाइम क्या हो गया ये एडब हो गया लेकिन कौन सा एडब हो गया एडब ऑफ टाइम हो गया तो टुमेरो हो गया टुडे हो गया येस्टरडे हो गया नाव हो गया देन हो गया ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं क्योंकि इनसे हमें समय के बारे में पता चलता है टाइम के बारे में पता चलता है और इसीलिए हमने इनको नाम दे दिया एडवर्ब ऑफ टाइम सिंपल सी बात है ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे लीस्ट एंड लास्ट आज की क्लास में जो सबसे लास्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में अब देखिए जैसे टाइम होता है वैसे ही प्लेस तो होता है प्लेस का मतलब होता है जगह या स्थान किस स्थान की किस जगह के बारे में बात की गई है वो कहलाएगा एडब ऑफ प्लेस सिंपल सी बात है भाई जैसे टाइम हो गया मैनर हो गया अब मैनर तो क्या था कि आपका तरीका क्या है किसी भी काम करने का ठीक है एडब ऑफ टाइम क्या शो करता है कि आपने जो भी एक्शन किया है उसकी टाइमिंग क्या थी कल था आज था कब था तब था या अब था ऐसी सारी चीजें तो ऐसे ही सेम यहां पर बात है प्लेस कि जो भी चीजें कर रहे हैं आप उसका प्लेस क्या था अब कैसे आपने इन वर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा हियर देर इनसाइड आउटसाइड Here मतलब यहां क्या हो गया प्लेस हो गया देयर मतलब वहां क्या हो गया प्लेस हो गया इन मतलब अंदर की तरफ आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ क्या हो गया प्लेस जगह ही तो बता रहे हैं आप लोग अब देखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो मैंने लिखा आई एम सिटिंग मैं यहां बैठा हुआ हूं आई एम सिटिंग हियर क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग मैं यहां बैठा हुआ हूं तो मेरी जो पोजीशन है जो मेरा प्लेस है बैठने का वो कहां है यहां है तो हियर क्या हो गया एडवर्ब हो गया सिट मतलब होता है बैठना यानी वर्ब के बाद आ रहा है सिंपल सी बात है एडवर्ब हो गया लेकिन कौन सा एडवर्ब हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस ये जगह के बारे में बात कर रहा है स्थान बता रहा है कि मैं कहां बैठा हुआ हूं ठीक है समझ गए ना अगर इसने ऐसे बोला था आई एम सिटिंग मैं बैठा हुआ हूं अब मैं कहां बैठा हुआ हूं तो मुझे कैसे पता चलता मान लीजिए मैंने यहां पर हियर नहीं लिखा होता मैं सिर्फ ऐसे बोलता आई एम सिटिंग मैं बैठा हुआ हूं क्या आप बता सकते थे मेरी पोजीशन कहां है वेयर आई एम सिटिंग मैं कहां बैठा हुआ हूँ no. नो फ आई सेड हियर आई एम सिटिंग हियर तो आपको एक्जैक्टली exactly पता चल गया कि मेरी पोजिशन मेरी प्लेसमेंट कहां है और मैं कहां बैठा हुआ हूं मैं यहां बैठा हुआ हूं तो मुझे कोई भी फाइंड आउट कर लेगा सिंपल सी बात है तो हियर क्या हो गया एडब हो गया लेकिन कौन सा एडब हो गया एडव ऑफ प्लेस नेक्स्ट उसके बाद अब मैंने सेम यहां बोला होता मैंने हियर की जगह दियर लिखा होता तो यह क्या होता आई एम सिटिंग दियर मैं वहां बैठा हुआ हूं समझ गए ना यहां की जगह मैंने वहां कर दिया तो वो भी तो प्लेस हो गया समझे नहीं समझे वो भी क्या हो गया प्लेस हो गया मैं वहां बैठा हुआ हूं यहां बैठा हुआ हूं ये भी प्लेस हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल समझने क्वेश्चन करते हैं मैंने लिखा माई सिस्टर एज आउटसाइड क्या मतलब हुआ इसका देखो माय सिस्टर ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया सिस्टर नाउन हो गया माय क्या होता है एडजेक्टिव होता है पजेटिव एडजेक्टिव आप सबको पता होगा इज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया प्ले में आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई यानी वर्ब हो गया क्या हो गया वर्ब तो वर्ब के बाद आ रहा है क्या होगा एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा एडवर्ब होगा समझे नहीं समझे क्या होगा एडवर्ब होगा माई सिस्टर इज प्लेइंग आउटसाइड मेरी बहन बाहर खेल रही है आउटसाइड का मतलब क्या हो गया बाहर की तरफ यानी घर से बाहर हो सकती है ग्राउंड के बाहर हो सकती है यानी जहां पर आप हैं उससे बाहर ठीक है मुझे नहीं पता कौन सी लोकेशन है उसकी लेकिन इतना जरूर पता है कि वो बाहर खेल रही है समझे नहीं समझे सो माई सिस्टर इज प्लेइंग आउटसाइड मेरी बहन बाहर खेल रही है इसका मतलब क्या हो गया ये हो गया एडब ऑफ प्लेस ठीक है समझे नहीं समझे क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है एडवर्ब हो गया अब एडवर्ब है तो कौन सा एडवर्ब हो गया आउटसाइड मतलब क्या होता है बाहर की तरफ यानी प्लेस की बात हो रही है जगह की बात हो रही है स्थान की बात हो रही है इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया एडवर्ब ऑफ प्लेस सिंपल सी बात है दूसरा कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जैसे मैंने लिखा राम विल रन इन द रेस टुडे इसको थोड़ा सा समझिएगा बहुत अच्छा है इससे काफी सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी मैंने कहा राम विल रन इन द रेस टुडे ठीक है यानी आज जो दौड़ होने वाली है ना उसमें राम दौड़ेगा राम क्या हो गया नाउन हो गया सिंपल सी बात है आप सबको पता होगा अच्छे से प्रॉपर नाउन होता है विल विल सेल ये क्या होती है हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ठीक है थीके? रन क्या होता है दौड़ना मेन वर्ब हो गया ठीक है टुडे मतलब क्या हो गया आज एडवर्ब हो गया कौन सा एडवर्ब हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम भाई अभी अभी मैंने आपको बताया है टुडे क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम समझे नहीं समझे अब इन द रेस ये क्या है ये है पूरा एक फ्रेज और इसको बोलते हम लोग एडवर्बल फ्रेज ठीक है क्या बोलते हैं इसको हम लोग एडवर्बल फ्रेज राम विल रन टुडे राम आज राम दौड़ेगा किस में रेस में तो प्लेस क्या है किस में दौड़ेगा रेस में दौड़ेगा यानी किस जगह दौड़ेगा रेस में दौड़ेगा ये क्या हो गया प्लेस तो ये हो गया एडब ऑफ प्लेस समझे नहीं समझे इन द रेस ये जो पूरा फ्रेज है ये क्या कहलाएगा एडब ऑफ प्लेस ठीक है ये एडब फ्रेज है लेकिन इसका अगर हम बात करें कौन से कैंट का होगा तो ये कहलाएगा एडब ऑफ प्लेस ठीक है क्योंकि राम आज दौड़ेगा ये तो हमें पता है लेकिन कहां दौड़ेगा किस जगह दौड़ेगा ये हमें नहीं बताया तो ये क्या है इन द रेस समझे नहीं समझे रेस में दौड़ेगा जगह कौन सी है वह जहां पर रेस हो रही है वहां पर राम दौड़ेगा इसलिए यह हो गया प्लेस। समझे नहीं समझे ठीक है एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उससे चीजों को थोड़ा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा मैंने बोला इज़ वॉचिंग टीवी इनसाइट मान लीजिए सिया आपकी कोई सिस्टर है ठीक है और आपका कोई उसका कोई फ्रेंड मिलने आया सिया से उसने पूछा वे सिया सिया कहाँ है आप उसके भाई हैं बहन है कुछ भी हो सकते हैं वॉच एफ यू आर वी आर जस्ट सपोजिंग हम ऐसा मान रहे हैं ठीक है हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं तो आपने बोला सिया इज वॉचिंग टीवी इन साइड सिया अंदर ना टीवी देख रही है बोलते ना हम लोग अरे वो तो अंदर बैठी हुई है टीवी देख रही है सो वॉट इज इन साइड आपने अब उसको प्लेस बता दिया जगह बता दी कि सिया कहा है वो कहां है अंदर है कर क्या रही है टीवी देख रही है तो वॉच क्या होता है Verb हो गया Verb को क्वालिफाई किया किसने जगह के बारे में किसने बताया भाई टीवी देख रही है लेकिन कहां देख रही है अंदर देख रही है घर के समझ नहीं समझे तो ये हो गया क्या हमारा एडवर्ब लेकिन कौन सा एडवर्ब हो गया ये ये होगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस सिंपल सी बात है तो आज मैंने आपको तीन टाइप्स के बारे में बताया है एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया और एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया एडवर्ब होता क्या है एग्जाम्पल से मैंने आपको ये सारी चीज़ें भी समझा दी हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा आप इसको देखने के बाद कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बार बार चैनल को आप लोग फॉलो करते रहिए ठीक है अब अ गुड डे टेक केयर कीप लर्निंग एंड बी सेफ थैंक सो मच えっ